ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आपसे फिर एक आज विशेष चर्चा करने के लिए। मैं चर्चा का विषय बताऊँ उससे पहले आपसे निवेदन करूँ कि जो मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लेंगे तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो मित्रों मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक तो बनता है, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे अधिक से अधिक दोस्तों को लाभ मिल सके, और जाते जाते कमेंट में जो लिखना चाहें लिखें, कुछ नहीं लिखना चाहते हैं तो महागणेशाय नमः तो लिखें, भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मित्रों अभी देखिए मैं क्या चर्चा कर रहा हूँ। अभी देखिए प्रेजेंट में ग्रह गोचर और अगले दो हफ्ते तक, यानी दो हफ्ते मीन्स आप आज से 4 तारीख है तो 14 दिन यानी 18 तारीख तक समझ लीजिए, तो दो हफ्ते तक क्या हो रहा है, यानी सिंह राशि में कौन कौन ग्रह बैठे हुए हैं, और सिंह राशि सूर्य की राशि है, उसमें देखिए सिंह राशि में बुध हैं, शुक्र हैं, मंगल हैं। शुक्र और बुध, हालांकि शुक्र बकरी हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना के बैठे हुए हैं। लक्ष्मी नारायण योग मीन्स बुध जो है भगवान विष्णु का के बराबर मानते हैं उनको, विष्णु से और माता लक्ष्मी से शुक्र को दिया जाता है, तो इनका लक्ष्मी नारायण योग बन रहा बुध का और शुक्र का। मंगल सेनापति, ग्रहों के सेनापति राजा के घर में बैठे हुए हैं, तो वैसे ही मंगल का तो औहदा बढ़ गया, भूमि पुत्र मंगल राजा सूर्य के सेनापति राजा के घर में, तो ये अवस्था बहुत बढ़िया है कुछ राशियों के लिए, मंगल की और सूर्य की, मंगल की शुक्र की और बुध की। और शुक्र जो है चूँकि अब बकरी हैं तो बकरी चल रहे हैं, तो 7 अगस्त को जो आ जाएंगे कर्क राशि में वहाँ आ जाएंगे, सूर्य के और शुक्र के साथ बन जाएंगे, कर्क राशि में रहेंगे, लेकिन 17 अगस्त को फिर सूर्य आ जाएंगे अपने घर में, यानी सिंह राशि में अपने घर में राजा सेनापति भी वहाँ होंगे। तो जब तक राजा और सेनापति वहाँ रहते हैं, युवराज भी रहते हैं, यानी 18 अगस्त को सेनापति फिर चले जाएंगे आगे कन्या राशि में, यानी 19 अगस्त से प्रभावी हो जाएंगे। तो तब तक जब तक सेनापति राजा का साथ है, सिंह राशि में है, कुछ राशियों को विशेष विशेष लाभ, विशेष धन, विशेष सुख, विशेष सुविधाएं मिल रही हैं, क्योंकि उसके बाद मंगल भूमि पुत्र जो हैं, जो कि व्यापार के कारक भी हैं, मंगल धार्मिक कार्यों के कारक भी हैं, मंगल राजनीति में भी एक कारक हैं, जब वो कन्या राशि में आ जाएंगे तो फिर अच्छा फल नहीं देंगे, काल पुरुष की कुंडली के 6ठे भाव में आ जाएंगे तो वो सही नहीं है। तो जब तक 18 तारीख तक जो तक मंगल और सूर्य के साथ हैं और बुध भी हैं, उधर शुक्र जो है कर्क राशि में आ गए, बृहस्पति जो है बहुत स्ट्रांग होकर के राहु के चंगुल से, कहूँगा मैं तो राहु के जो नेगेटिविटी थी उससे मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि बृहस्पति जवान अवस्था में 17-18 डिग्री में और राहु 4 डिग्री में बच्चा बालक, तो बृहस्पति अच्छे, शनि कुंभ राशि में अच्छे, शुक्र जो है कर्क राशि में आ जाएंगे 7 तारीख के बाद से, अभी तो बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, और फिर 17 तारीख से सूर्य बुध का बन जाएगा। तो ये ग्रह गोचर ये बता रहा है कि अभी से ही अगले 2 हफ्ते बहुत ही लाभदायक, बहुत ही बढ़िया, कुछ राशियों को तो बहुत ही विशेष लाभदायक हैं, विशेष धन की सुविधा, विशेष सुख की सुविधा, विशेष बंगला गाड़ी सब मिल रहा है। तो 12 राशियों में से मैं अलग अलग सबकी चर्चा अलग मैंने की है वैसे और बताया है, पर अभी ये बता रहा हूँ मैं कि अभी केवल 2 हफ्ते में केवल 4 राशियाँ, केवल 4 राशियाँ, मैं उनको बताऊँगा कौन सी राशि उसके लिए ये विशेष, ये इस समय का गोचर जो है
यानी पहली सबसे पहली राशि जो है वो मेष राशि है। मैं बार बार कहता हूँ कि मेष राशि का ये गोल्डन पीरियड है, गोल्ड गोल्ड राशि, गोल्डन पीरियड कुछ भी कह रही है, मेष राशि तो बहुत ही उच्च कोटि का लाभ पा रही है। मेष राशि के लिए देखिए, मंगल के साथ और बृहस्पति का नवम पंचम योग बन रहा है। मंगल भी हैं, अभी शुक्र भी रहेंगे 7 तारीख तक, और बुध भी हैं, तो सबका नवम पंचम योग बन रहा है। मंगल और बृहस्पति बहुत ही कारक, बृहस्पति बिजनेस के कारक, धार्मिक कार्यों के कारक, मंगल भी उसी तरह से धन देने वाले, व्यापार में तरक्की देने वाले, तो मंगल का बृहस्पति का। और देखिए बृहस्पति मंगल जो है काल पुरुष की कुंडली में या मेष राशि कुंडली में ये पंचम भाव में है, और शनि जो है सम्मुख सम सप्तक योग बना के बैठे हुए हैं 11वें भाव में, लाभ के भाव में। तो मेष राशि के शनि तो बहुत ही लाभकारी हैं, लाभ भाव में बैठ कर के शनि को, शनि तो मेष राशि को अगले 2-2.5 साल जब तक रहेंगे कुंभ राशि में लाभ ही लाभ देंगे। बकरी हो जाएंगे वो अलग बात है, तो और स्ट्रांग हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे तो थोड़ा कम देंगे, लेकिन शनि तो मेष राशि को मालामाल कर देंगे। तो इस समय शनि बृहस्पति बुध शुक्र मंगल और बाद में सूर्य, ये 4 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त तक का 14 दिन का टाइम जो है, जब तक मंगल कन्या राशि में नहीं आते, मेष राशि को तो गोल्डन पीरियड कह रहा हूँ मैं। कितने योग बनना है देख लिए, राशि स्वामी है मंगल, राशि स्वामी मंगल अपने से यानी लग्न से पंचम में बैठे हुए हैं, पंचम स्थान में। अब मंगल की देखिए फिर वहाँ से चौथी दृष्टि जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि तो विदेश, विदेश व्यापार से, अगर विदेश में कोई संबंध है आपका तो विदेश से लाभ मिलेगा, विदेश में व्यापार करते हैं तो वहाँ से लाभ मिलेगा, विदेश जाना हो सकता है, विदेश के काम से, विदेश नौकरी, कुछ भी आपका पत्र आ सकता है विदेश जाने के लिए, क्योंकि मंगल जो है आपके राशि स्वामी हैं, राशि स्वामी मंगल जो है। सप्तम मतलब सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को और अष्टम दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं, और जाहिर है शनि के साथ बन रहा है संसत्ता योग लाभ भाव में। तो ये तो बहुत जबरदस्त योग बन रहा है, बहुत जबरदस्त, यानी 7 अगस्त को शुक्रदेव आ जाएंगे कर्क राशि में, और बाद में 18 अगस्त तक तो जब तक मंगल वहाँ हैं तब तक तो भूमि पुत्र मंगल पंचम भाव में बैठ करके नवम पंचम बना के सम सप्तक बना करके सब कुछ देंगे, विदेशों से लाभ देंगे, यात्राएं कराएंगे, कुछ आपके पंचम में देखिए गुप्त संबंध भी हो सकते हैं, कुछ प्रेम संबंध भी हो सकते हैं, उससे थोड़ा सा विवाहित पुरुष थोड़ा सा सावधान रहिएगा, वरना शनि की, शनि के दंड के भागी हो जाएंगे आप, अगर गड़बड़ करेंगे तो शनि पर दंड देते हैं, चाहे फिर मेष राशि हो, चाहे कुंभ राशि हो, कोई तुला राशि हो, शनि दंडाधिकारी हैं, अगर आप ईमानदार नहीं है तो दंड मिलेगा। तो मित्रों, विदेशों से लाभ, यात्राओं से लाभ, पंचम से, पंचम में बैठे हुए 3-3 ग्रह और शनि की दृष्टि 4, धन का लाभ मिलेगा, धन मिलेगा, लाभ, लाभ का मतलब क्या होता है, लाभ धनी धन। तो मेष राशि तो 1 नंबर 1 राशि में कह रहा हूँ, और दूसरी राशि जो कि बहुत लाभ पाएगी इस समय वो है कर्क राशि, क्यों कर्क राशि के धन भाव में पंचम राशि आती है, सिंह की राशि आती है, मतलब सिंह राशि आती है, सूर्य की राशि। तो अभी कर्क राशि लग्न में तो धन भाव में मंगल, धन भाव में शुक्र, अभी फिर बाद में आ जाएंगे लग्न में शुक्र और मंगल और बुध तो है ही, वहाँ सूर्य, सूर्य भी आ जाएंगे 17 तारीख से। धन भाव में, धन भाव में 3-3 ग्रह, धन भाव में शनि की दृष्टि, 17 तारीख को चंद्रमा भी होगा। तो ये दूसरी राशि जो कर्क राशि है, जो कर्क राशि के लिए धन भाव के मंगल और कैरियर में देखिए आपको तरक्की मिलेगी, कैरियर में, नौकरी में,
फिफ्थ भाव के देखिए कर्क राशि के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मंगल जो है फिफ्थ भाव के स्वामी है, क्यों आठवीं राशि है स्कॉर्पियो आ रही है पांचवें भाव में और वहाँ से शनि की दृष्टि पड़ रही है, सॉरी वहाँ से मतलब जो है लाभ भाव में दृष्टि जा रही है। लाभ भाव का मतलब कर्क राशि के शुक्र की राशि, शुक्र की राशि यानी वृष राशि, तो वृष राशि यानी शुक्र खुद इस समय जो है धन भाव में बैठे हुए हैं, फिर चले जाएंगे लग्न में, लेकिन अभी तो धन भाव में ही है 7 तारीख तक। और शुक्र की राशि लाभ भाव में है, कौन सी? वृषभ राशि। वृषभ राशि लाभ भाव में और शुक्र जो है सूर्य की राशि में, सिंह राशि में, धन भाव में। धन के स्वामी काल पुरुष की कुंडली के धन के स्वामी धन भाव में और उनकी राशि लाभ भाव में, तो कर्क राशि भी कोई मेष राशि से ज़्यादा नीचे नहीं है, वो भी बहुत लाभ अच्छा पा रही है। तो ये दो राशियाँ हो गई मेष और कर्क जो बहुत विशेष लाभ पा रही हैं। और देखिए दो और राशियाँ हैं जो मैं बताता हूँ, तीसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि के लिए देखिए 7, 6, 7, 6, 5, 4, 3 तुला राशि के लिए सातवीं राशि है, तो पहली राशि जो है यानी बृहस्पति, बृहस्पति जो आ गए सप्तम भाव में आ गए, और पांचवी राशि जो है सूर्य की राशि जो है वो आ गई ग्यारहवें भाव में, यानी ग्यारहवें भाव में बुध शुक्र सूर्य और मंगल जो आएंगे अभी वो सब बैठते हैं, तो ये सिंह राशि जो है ग्यारहवें भाव में आ गई, बहुत ज़बरदस्त। बृहस्पति की स्थिति बहुत ज़बरदस्त और शनि भाग्य भाव में ग्यारहवीं राशि, शनि भाग्य वर्धन कर रहे हैं, बृहस्पति पति पत्नी के भाव में और पार्टनर्स के बिजनेस के भाव में तुला राशि के लिए, और सिंह राशि लाभ भाव में जहाँ बुध भी हैं और सूर्य आ जाएंगे, मंगल भी हैं, भूमि पुत्र मंगल हैं, तो ये देखिए तुला राशि भी जो है बहुत ज़्यादा लाभ पा रही है। लाभ ही लाभ, लाभ भाव से क्या मिलेगा? लाभ भाव में ये 3, 3, 4, 4 ग्रह सूर्य भी आ जाएंगे बाद में, मंगल भी हैं, भूमि पुत्र, तो लाभ ही लाभ मिलेगा मित्रों। तो मित्रों मेष कर्क तुला और चौथी और आखिरी राशि जो कि इन 14 दिनों में खूब पैसा कमाएगी, खूब धन कमाएगी, खूब सुख कमाएगी, वो है मित्रों वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का मतलब आठवीं राशि, जिसके लिए पांचवी राशि आ गई कर्म स्थान में, कार्य क्षेत्र में, और सम्मुख दृष्टि पड़ेगी सुख स्थान में चौथे भाव में। तो कार्य क्षेत्र में शुक्र बुध मंगल, बाद में सूर्य बुध और मंगल, कार्य में तरक्की, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, सम्मान, समाज में सम्मान, और सूर्य आ गए तो सरकारी नौकरी में फायदा, सरकारी पुलिस में, मिलिट्री में, मंगल भी यहाँ पर, सूर्य भी हैं, मंगल भी हैं। लेकिन सभी लोगों से मुझे यही कहना है, चारों राशि वालों से कहना है कि आप लोग अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि मंगल भी और सूर्य भी दोनों ही तीव्रता वाले हैं, दोनों ही रेड प्लैनेट्स कहिए आप, क्रोध वाले हैं। तो हमेशा अपनी बातचीत में, बर्ताव में, घर में, समाज में, कुटुंब में माधुर्य होना चाहिए आपकी वाणी में। वाणी में माधुर्य रहेगा तो मेष कर्क तुला वृश्चिक चारों राशियाँ बारे न्यारे हो जाएंगे इस समय 2 हफ्ते में, धन धान से परिपूर्ण, सुख से परिपूर्ण, धनी धन पैसा, करोड़पति अरबपति राशियाँ हैं मित्रों। तो ये जो है अगले यानी 4 तारीख से 18 तारीख तक 2 हफ्ते में ये चार राशियाँ मित्रों माला माल हो रही हैं, कुछ नहीं मतलब ऐसा जो उनको न मिल रहा हो, स्वर्णिम काल है इनका मित्रों। तो मैं अभी यहाँ विराम लूँगा, आपसे निवेदन फिर करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें मित्रों। नमस्कार।